यंग एंटरप्रेन्योर समिट उज्जैन इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय हमारे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री महोदय श्री राजवर्धन सिंह तत्तीगांव जी, मंच पर उपस्थित माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी, कलेक्टर आशीष सिंह जी, मंच पर साथी उपस्थित समीर शर्मा जी, आनंद बांगड़ जी, प्रफुल्ल बिल्लोरी जी, आदरणीय राजमोहन सिंह जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और विशेष तौर पर इस फोरम के पार्टिसिपेंट्स, टीम मेंबर्स और इस कार्यक्रम के सभी पार्टिसिपेंट्स, मैं दो तीन चीज़ों के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश शासन के जो एमएसएमई या स्टार्टअप पॉलिसी क्या है उसके बारे में प्रकाश डालने के लिए कहा गया है, तो मैं पहले उसके बारे में चर्चा करूंगा, फिर स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप एमएसएमई से संबंधित कुछ चीज़ों के ऊपर भी मैं चर्चा करने का प्रयास करूँगा। हमारा जो फोकस एरियाज है, जो अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी हमको जो टारगेट दिया है और जिन एरियाज में एमएसएमई सेक्टर काफ़ी वृद्धि कर रहा है, मैं इधर एमएसएमई क्या होता पहले वो बताऊंगा। माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज और एंटरप्राइजेस, 1 करोड़ तक का अगर आपका प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है वो माइक्रो एंटरप्राइज है, 1 करोड़। 1 से 10 करोड़ का अगर प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल इंडस्ट्री कहलाता है, और 10 करोड़ से 50 करोड़ तक का अगर इन्वेस्टमेंट है प्लांट और मशीनरी में वो मीडियम इंडस्ट्री कहलाता है। तो ये MSM, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री एंटरप्राइजेस कहलाते हैं, और इसके ऊपर 50 करोड़ के ऊपर जो है वो बिग इंडस्ट्रीज हैं, जो मध्य प्रदेश शासन में अलग विभाग बना है जिसको हम कहते हैं IPIP, जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं जिसके माननीय मंत्री जी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, माननीय दत्तीगांव जी। तो हमारे यहाँ 2 डिपार्टमेंट्स में अलग अलग बटा हुआ है, क्योंकि फोकस जो है एमएसएमई पे देने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने यह तय किया है कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए, इसलिए हम लोग पृथक से इस सेक्टर को कवर करने के लिए हम पॉलिसी मेकिंग करते हैं, स्कीम्स बनाते हैं। तो ये हमारे फोकस एरियाज हैं, अनुकूल माहौल बनाना, व्यापार को और आसान बनाना है, रियायतें प्रदान करना यानी कि कंसेशंस देना है, सब्सिडीज देते हैं हम, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, PPP मॉडल्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, ऑनलाइन सेवाएं यानी कि वह इजीली एक्सेसिबल हो, शासन की योजनाएं यानी गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स हैं या पॉलिसीज हैं एक्सेस होना, और जो भी सर्विसेज हैं उसको और जो सेवाएं या जो भी हम सहायता देते हैं वो टाइमली हम दे पाए। नेक्स्ट, हमारे जो आज के तारीख में फोकस सेक्टर्स हैं यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खास तौर पर इसको तय करता है और उस पर हम लोग काम करते हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग है, पालूम्स है, फार्मा, टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स हैं, फर्नीचर, टॉयज हैं। तो मैं इसमें आगे चल के बताऊंगा कि किस तरह से हम सपोर्ट कर रहे हैं, बट इन जनरल एमएसएमई डिपार्टमेंट जो सपोर्ट करता है, मोटा मोटा अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो हम 40% तक हम कंसेशन सब्सिडी देते हैं प्लांट और मशीनरी पे। ये 40% तक है, 40% से हम आगे भी देते, मतलब 60% तक भी बढ़ जाता है, यानी कि अगर आपने 1 करोड़ लगाया है तो ये मान के चलिए कि 40 लाख आपको प्लांट और मशीनरी में, अगर आपने 1 करोड़ लगाया तो उसमें से हम 40 लाख हम आपको आपके प्लांट और मशीनरी पे हम उपलब्ध कराते हैं। तो ये एक मोटा मोटा फॉर्मूला है, बट जैसे मैंने कहा है कि इसमें वृद्धि भी हो सकती है, 60% तक भी जाते हैं, कहीं कहीं कुछ कुछ सेक्टर्स में हम 80% तक भी देते हैं। महिलाओं के लिए
हम लोग अतिरिक्त उपलब्ध कराते हैं, फिर एससी एसटी सेक्टर्स के लिए अलग से हम प्रावधान करते हैं। एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पर भी हम लोग जो है सहायता करते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में कोई भी एमएसएमई को सबसे ज्यादा खर्चा जिस पे करना पड़ता है वो है एक इलेक्ट्रिसिटी पे होता है, दूसरा लेबर पे होता है, फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पे होता है, प्लांट और मशीनरी पे होता है। तो उन्हीं सेक्टर्स को हम कवर करते हुए हम लोगों ने पॉलिसीज तैयार किया है। नेक्स्ट, इसके अलावा हम इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा है कि औद्योगिक परिसर को इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करना चाहते हैं। एक तो हो गया इंडस्ट्रियल यूनिट डालना, कुछ हमारे ऐसे उद्यमी होते हैं जो पूरा इंडस्ट्रियल पार्क भी डेवलप करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करते हैं जिसमें एक से ज्यादा यूनिट्स लगाते हैं। तो ऐसे यूनिट्स लगाने पे हम यंत्र संयंत्र में अगर 10 करोड़ तक का निवेश है तो 25 लाख, और 10 से 50 करोड़ तक का है तो 3 करोड़ हम इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम सपोर्ट करते हैं। ईटीपी लगाने के लिए हम सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ सेक्टर्स का मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ ताकि बेसिक नॉलेज हो, और फर्दर आप हमारे जो जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर है, डीआईसी कहलाता है, आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। हमारा वेबसाइट है, एमएसएमई वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आपको पूरे हमारे योजनाएं स्कीम्स हैं, हमारे कंसेशंस क्या क्या देते हैं वो सब हमने कर दिया है। और इसके अलावा अब हमने, अगर आपने कोई प्लांट और मशीनरी आपके यूनिट में एस्टैब्लिश किया है, पहले नहीं था, अब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको पेपर वर्क करना पड़ता था, पेपर वर्क हमने खत्म कर दिया है। नाउ यू अप्लाई फॉर कंसेशंस ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन कर दीजिए, ऑनलाइन स्वीकृति मिल जाएगी उसमें। दिस इज समथिंग विच वी हैव डन रिसेंटली, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सरकार से मतलब सरकार से काम कराना इतना आसान नहीं है। और अभी मैं प्रफुल्ल से यही पूछ रहा था कि कभी आपने सरकार से पैसे लिया है क्या, बोला कि अभी तक नहीं लिया है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि बोलेंगे कभी नहीं लेना सरकार से। बहुत लोगों को तकलीफ होता है, तकलीफ इस बात का है कि क्योंकि नेविगेटिंग द गवर्नमेंट सिस्टम इज बिट टफ। ये नहीं कहता कि असंभव है, टफ है, बट जैसे समीर ने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा है कि गवर्नमेंट के साथ जो नेविगेट कर सकता है, देखो अल्टीमेटली क्या है नेविगेट करना, नेविगेट करना मतलब अपना रास्ता ढूंढना, नेविगेशन होता है। नेविगेट जो कर सकता है, सिस्टम को नेविगेट कर सकता है, वो बहुत इजीली अपने टारगेट्स को अचीव कर सकता है, बहुत आसान, बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो सकता है। कोई भी व्यवस्था में आसान कुछ भी नहीं है, हम सब जानते हैं, लेकिन सरकारी तंत्र में थोड़ा टफ होता है, क्योंकि पेपर वर्क के तारतम्य में पूछा जाता है कि आपके पास कौन कौन से कागज है, कौन से नहीं है, इसको बना के लाओ, उसको बना के लाओ। लेकिन बहुत कुछ सिस्टम भी चेंज हो रहा है, आप लोगों ने भी महसूस किया है कि बहुत सिस्टम चेंज होते जा रहा है, गवर्नमेंट्स भी रिकॉग्नाइज किए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने स्टार्टअप पॉलिसी का हमने तैयार किया, सावन लड्डा यहाँ पे बैठे, हम लोग मिलकर सबके साथ में, स्टार्टअप्स के साथ में मिलकर जब हमने स्टार्टअप पॉलिसी भी तैयार किया था, तो हमने ठान लिया था कि हम पेपर वर्क बिल्कुल नहीं कराएंगे, और हमने पॉलिसी लॉन्च के साथ में ही पोर्टल भी लॉन्च किया, और हम एप्लीकेशंस भी आज स्टार्टअप्स की सहायता के लिए केवल ऑनलाइन लेते हैं, हम कोई पेपर वर्क नहीं मांगते हैं, आप सब आप ऑनलाइन अप्लाई करो। तो मेरा कहना है कि गवर्नमेंट्स भी बहुत चेंज हो रहे हैं, और हम गवर्नमेंट में ये महसूस कर रहे हैं कि जितना हम इजी एक्सेसिबल और ऑनलाइन सिस्टम्स के ऊपर हम निर्भरता बढ़ाएं, उतना ही ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप सरकार से दूर मत भागिए, आप ट्राई करिए कि एटलीस्ट गूगल पे जाके सर्च तो करिए कि सरकार है कहाँ, बेसिकली वो डिपार्टमेंट्स कौन से हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो इजी है, आसान है, और हम
खुद भी बदलने के लिए तैयार बैठे हैं कि हम जैसे आप लोग इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, मैं हर बार यही कहता हूं कि जो है भाषणबाजी नहीं करना, आप कुछ सुझाव भी दीजिए। आप जितने जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपको गवर्नमेंट के साथ वर्क करने में कौन से डिफिकल्टीज हो रहे हैं उसका लिस्टिंग करा के हमको बताइए, ताकि हम वो चेंजेस करें जिससे आपको सरकार को एक्सेस करने में आसान हो जाए। सो जैसे पावरलूम सेक्टर है, इसमें हम 25% तक उन्नयन में देते हैं। नेक्स्ट फार्मा सेक्टर, सबसे ज़्यादा अगर हम किसी सेक्टर में आज के तारीख में अनुदान देते हैं वो फार्मा है, टेक्सटाइल्स हैं, गारमेंट्स हैं। नेक्स्ट, ये गारमेंट्स हैं जो परिधान हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट टेक्सटाइल्स, आगे बढ़ाते जाए, खाद्य प्रसंस्करण। नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे एक मिनट रुकूंगा, फर्नीचर और टॉयज का मैंने जैसे कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीन साल पहले कहा था कि वी शुड, हमको फर्नीचर और टॉयज को इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, और अपने देश में इतना टैलेंट है और इतना कुछ, हम जैसे अपने देश में मोर देन 25-30% तक हमारा लैंड एरिया फॉरेस्ट कवरेज है, तो हमारे यहाँ लकड़ी की कोई कमी नहीं है, तो हमको फर्नीचर और टॉयज जो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज हैं या फिर अदरवाइज जो पारंपरिक टॉयज हैं, उसको हमें इन विद इन कंट्री हमको इसका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए और हमको एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो उसको हमने मतलब उस स्टेटमेंट को, माननीय प्रधानमंत्री जी के उस स्टेटमेंट को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग बैठ के जब चर्चा की है कि वी शुड बी द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जो हम एक्सक्लूसिवली फर्नीचर और टॉयज जो निर्मित करते हैं उनके लिए हम एक्सक्लूसिव पैकेज बनाए, तो हम मध्य प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिन्होंने टॉयज और फर्नीचर के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने पॉलिसी बनाए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना बड़ा इंडस्ट्री है ये, आज के तारीख में इतना बड़ा इंडस्ट्री है, और रिसेंटली जब हम लोग जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बैठे थे, फर्नीचर एंड टॉयज कैन बी एज बिग एज एम्प्लॉयमेंट वाइज आईटी सेक्टर जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाया उतना एम्प्लॉयमेंट केवल फर्नीचर और टॉयज में आ सकता है। तो हम लोग अभी माननीय मंत्री जी भी हम लोग बैठे हैं, जो जीआईएस में भी हम लोग इसको फ्लोट करेंगे जिसमें बड़े इंडस्ट्री आए या छोटे इंडस्ट्रीज आए। अभी मैं आपको मुझे बताते खुशी है कि हमने अभी रिसेंटली अगस्त के महीने में एक साथ पूरे मध्य प्रदेश में 10 फर्नीचर क्लस्टर्स हमने इनॉग्रेट कराया माननीय मुख्यमंत्री जी से, 10 फर्नीचर क्लस्टर्स, और अभी बहुत सारे क्लस्टर्स हमारे डेवलप होने वाले, वैसे टॉय क्लस्टर्स हैं हम डेवलप कर रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि पोटेंशियल चेक करिए, मतलब ब्लाइंडली किसी चीज पे मत जाएं, ब्लाइंडली कोई ऐसा इंडस्ट्री मत लगाएं, पोटेंशियल चेक करिए कि किस में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। गवर्नमेंट जैसे इसमें आप देखेंगे कि हम 40% तक अनुदान तो दे ही रहे हैं, हम ब्याज अनुदान भी दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि आप जो बैंक से लोन लेंगे उस पर हम इंटरेस्ट सबवेंशन भी दे रहे हैं। उसके अलावा विद्युत शुल्क 5 वर्षों के लिए, विद्युत टैरिफ हमने 1 रुपये प्रति यूनिट दे रहे हैं। उसके अलावा नीचे देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे चले जाओ, 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति जो आप एम्प्लॉय करेंगे, ऐसे 200 एम्प्लॉयज तक अगर आप अपने फर्नीचर या टॉय इंडस्ट्री में लगा यूनिट में एम्प्लॉयज लगाएंगे, 5,000 रुपीज हम एम्प्लॉय के लिए सैलरी अलाउंस देंगे, 5,000 रुपीज पर पर्सन, ऐसे 200 एम्प्लॉयज तक हम देंगे। तो ये इसलिए हम कह रहे हैं कि आप पहले पॉलिसीज चेक करिए, पहचान, अगर आपने 50 लोगों को आपके यहाँ एम्प्लॉयज लगाए हैं और आप मान लीजिए कि 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति को सैलरी दे रहे हैं, मान लीजिए कि 5,000 रुपये उसमें से हम दे रहे हैं आपको, मानी कि मध्य प्रदेश शासन दे रहा है, तो कितना बड़ा इसमें आपके लिए इनिशियल स्टेजेस में आपके इंडस्ट्री को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए और उसके बाद उसको डेवलप होने के लिए कितना बड़ा पॉलिसी इंटरवेंशन मध्य प्रदेश शासन कर रहा है आपको समझना होगा। ऐसा कई सेक्टर्स में हम ये इनको हम बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स बोलते हैं, यानी कि अभी वर्तमान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस चीज पे जोर दे रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं स्टार्टअप पॉलिसी पे। स्टार्टअप्स के तारतम्य में
अभी बहुत सारे चर्चा है सुबह से, आप लोगों ने किया होगा, अभी होंगे, समीर ने भी काफी चीजों पे मैंने बताया। बेसिकली स्टार्टअप जिसके पास आइडिया और इनोवेशन है और उसको उस आइडिया और इनोवेशन को एक छोटे से स्वरूप से लेकर एक यूनिकॉर्न तक ले जाने तक की सफर के तारतम्य में मध्य प्रदेश शासन स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहा है। तो हमने 13 मई 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली हमारे मध्य प्रदेश की जो स्टार्टअप पॉलिसी है इसको इंदौर में लॉन्च किया था। उसके बाद मध्य प्रदेश में स्टार्टअप्स के तारतम्य में हमारे जो युवा है जिनके पास आइडिया से इनोवेशन से एकाएक जो है लास्ट 6 मंथ्स में हमारे मोर देन 600 नए स्टार्टअप्स DPIIT साइट पे रिकॉग्निशन प्राप्त किए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आइडिया और इनोवेशन जिनके पास भी है आप इमीडिएटली, अभी जैसे समीर ने कहा कि आपको कहां जाना चाहिए, स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे जाना चाहिए। स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे जाके अपना आइडिया और इनोवेशन को पहले रजिस्टर करिए। कई लोग पूछते हैं कि स्टार्टअप क्या है, मैंने अभी अभी एक दुकान खोल लिया, क्या मेरा स्टार्टअप हो सकता है? भाई दुकान स्टार्टअप नहीं हो सकता है। या फिर आपने कोई यूनिट डाल दिया, कोई भी यूनिट कंपनी डाल लिया, वो फैक्ट्री डाल लिया, स्टार्टअप नहीं हो सकता। जिनके पास आइडिया और इनोवेशन है वही स्टार्टअप हो सकता है। और पहले आपको रजिस्टर करना होगा और रिकॉग्निशन DPIIT साइट पे जाके प्राप्त करना होगा जो स्टार्टअप इंडिया से आपको मिलेगा। जैसे अभी समीर ने बताया नियरली 90,000 स्टार्टअप्स अपने देश में रिकॉग्नाइज्ड है, उसमें से अभी मध्य प्रदेश का हो गया है लगभग 2,600 मध्य प्रदेश के स्टार्टअप्स हो गए हैं। अभी आशीष ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है कि महाकाल महालोक, श्री महाकाल महालोक इसके इनॉग्रेशन के बाद और हाल ही में जो हम चीजें देख रहे हैं, इवन काशी में जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, अयोध्या में जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, उज्जैन में जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, इन जनरल जो पिलग्रिम्स यानी कि श्रद्धालुओं की जो संख्या उस पर्टिकुलर एरिया में पहुंचना एकाएक बढ़ गया है। बढ़ने से उज्जैन को फायदा लेना चाहिए। अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा लेना है उसका उज्जैन के लोकल्स को लेना चाहिए, उज्जैन के युवाओं को लेना चाहिए। तो आपके पास इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मैं अभी बैठे बैठे मैं लिख रहा था, मैं आपको गिन के बता दूंगा कि आपको कौन सा स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए। मैं कहना है कि हेरिटेज वॉक का स्टार्टअप स्टार्ट करिए, हेरिटेज टूर्स का स्टार्टअप कर सकें, हेरिटेज विलेजेस, रिलीजियस विजिट्स, आसपास के क्षेत्रों का कौन कौन से ऐसे रिलीजियस प्लेसेस हैं जिसका आप कोऑर्डिनेशन कर सकते, एक स्टार्टअप बना सकते हैं। पार्किंग एरिया, अभी चर्चा यही हो रही थी कि इंदौर से लेकर उज्जैन तक स्पेस नहीं मिल रहा है, सैटरडे संडे जगह नहीं मिल रही है शहर के अंदर। तो मेरा तो कहना है कि प्राइवेट पब्लिक पार्किंग स्पेसेस का ही एक स्टार्टअप बना सकते हैं। अभी रात में जो आया वो कहां गाड़ी खड़ा कर देगा। पूजा सामग्री, पुजारी, मैं आपको बैठे बैठे मैं आपको बता रहा हूं कि पुजारी कहां उपलब्ध हो जाएंगे। एक स्टार्टअप बना लीजिए, उसका एक ऐप तैयार कर लीजिए और आप फ्लोट कर दीजिए, आपको मतलब आपके ऐप पे बाढ़ लग जाएगी। पेइंग गेस्ट नाइट स्टेस, है ना, धार्मिक परिधान, जो लोग आएंगे उनको यहाँ के अगर मंदिर में प्रवेश करना है तो अगर धार्मिक कुछ पहनना है तो रेंटल आप स्टार्ट करिए। अभी ब्राइडल कलेक्शन हम देख ही रहे हैं कितना बड़ा, ब्राइडल कलेक्शन के कितने बड़े स्टार्टअप, कितने स्टार्टअप स्टार्ट हो गए हैं। रेंट ब्राइडल रेंटल, मतलब वो जो पहनते हैं ज्वेलरी जो पहनते हैं, पर डे का रेंटल एप्स तैयार हो गए हैं जो स्टार्टअप्स हैं। मेरा ये कहना है कि पोटेंशियल देखिए कि कहाँ आइडियाज और इनोवेशन कहाँ यूजफुल हो सकता है। जब 1.5 लाख to 2 लाख पिलग्रिम्स पर डे जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन यहाँ पे है और महाकाल लोक का फेज टू जब स्टार्ट करेंगे तो ये चल के और हो जाएगा 4 लाख 5 लाख, 4-5 लाख का पर डे फ्लोटिंग पॉपुलेशन, कितना बड़ा पोटेंशियल उज्जैन को दे रहा है। तो इसको समझना होगा, उसके ऊपर स्टार्टअप्स आप लोग प्लान करिए एंड देन उसको इंटरलिंक करिए, महाकाल से सभी ज्योतिर्लिंगों को लिंक करिए, उसका टूर बना दीजिए। सो यू अबे इसका कोई अंत नहीं है एंड लोगों को जरूरत भी है।
तो स्टार्टअप्स के लिए हम लोग जो पॉलिसी लाए हैं, इसमें हम शुरुआत में आपको जो जिन पैसों की आवश्यकता है, उसमें अगर आप कहीं से भी किसी भी सेबी या आरबीआई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपको पैसे, आप अगर पैसे लेते हैं, मैं प्रफुल्ल जी को की ओर इशारा कर रहा हूं कि अगर आपके आपको पैसे चाहिए तो हमारे पास पैसा है, आप 1 करोड़ आप उठा लीजिए किसी भी वेंचर कैपिटलिस्ट से या फिर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड से या फिर एंजल इन्वेस्टर से उठा लीजिए, हम उसका 15% हम सब्सिडी दे रहे हैं, 15% एंड 4 times देंगे, यानी कि 60 लाख तक देंगे, और महिलाओं को 20% एक्स्ट्रा देंगे उसमें। इसके अलावा आप नेक्स्ट आप कोई रेंटल स्पेस लेंगे उसका हम पैसा देंगे, और इसमें प्रोडक्ट बेस्ड नेक्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर्स को भी हमने इसमें प्रोविजनिंग किया है। नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं नहीं पीछे जाओ एक सेकंड पीछे हाँ आगे बस नेक्स्ट ये उत्पाद आधारित यानी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, फैक्ट्रीज में स्टार्टअप्स एस्टैब्लिश करते हैं, जैसे समीर का जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप रहा है, तो उसमें भी हम एम्प्लॉय अलाउंस दे रहे हैं 5,000 रुपये, अगर आपने 4-5 एम्प्लॉयज को लगा लिया उसमें भी हम एम्प्लॉय अलाउंस दे रहे हैं, उसमें ट्रेनिंग अलाउंस दे रहे हैं, आप पेटेंट्स हासिल करेंगे उसमें पैसे दे रहे हैं, और मुझे बताते हुए खुशी है कि हम एवरी मंथ जब से मई से हमने स्टार्ट किया है, एवरी मंथ वी आर ऑलरेडी सपोर्टिंग मोर देन 100 स्टार्टअप्स ऑफ मध्य प्रदेश, ऑलरेडी हम पैसा देना स्टार्ट कर दिया है। तो हम पॉलिसी बनाने के ऐसे ही नहीं बैठे हैं, हम पॉलिसी बना के पैसे भी दे रहे हैं जो भी हमसे क्लेम कर रहे हैं, और हमारे पोर्टल पे आइए, आप लोग अप्लाई करिए, आपको किसी से मिलने की जरूरत भी नहीं है, मतलब चेहरा भी मत दिखा देना। थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट ये स्टेट इनोवेशन चैलेंज आगे चल के हम करेंगे। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हम लाए हैं, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट स्कीम, जो अपने खुद के पैरों पे स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कुछ करना चाहते हैं उनके लिए हैं। हम इसमें 50,000 से लेकर 50 लाख तक का अगर कोई यूनिट डालते हैं, सर्विसेज बिजनेस करना चाहते हैं 50,000 से 25 लाख तक का, उसमें भी हम 3% इंटरेस्ट सबवेंशन दे रहे हैं, और 1% CGTMSE फीस यानी कि उसका लोन का गारंटी हम यानी कि मध्य प्रदेश सरकार दे रहा है, ये हमारा स्कीम है। तो इसमें हमने 45 ईयर्स तक का एज कर दिया है, क्योंकि युवा 45 ईयर्स तक का हो गया है, तो हम वहाँ तक दे रहे हैं, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हमने लोअर कर दिया है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बार बार ये कहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको 2025 तक 5 trillion इकोनॉमी बनाना है, और 2047 तक हमको लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनना है, तो कौन बनाएगा? हम ही लोग बनाएंगे, है ना, कोई और बनाने आने वाले नहीं है, बाहर से आके कोई बनाने वाले नहीं है। हमने जाके यूएस को, हमारे देश के युवा जाके यूएस को जरूर 30 trillion इकोनॉमी बना दिया है, लेकिन अपने देश का इकोनॉमी बनाने के लिए कोई नहीं आने वाला, हमको ही बनाना है। सो मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार मिलकर बहुत सारे नए स्कीम्स, बहुत सारे नए ऐसे पॉलिसीज का निर्माण कर रहा है, जिसमें हम, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे डायनेमिक पॉलिसीज हैं, आप हमको सुझाव दीजिए कि पॉलिसी चेंजेस करने के लिए बोले हम करेंगे, बट आपको बताना होगा कि ये हमको चाहिए, और शासन उस हिसाब से जो है परिवर्तन करने के लिए तैयार है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम नेक्स्ट टाइम जब यहाँ बैठेंगे, बहुत सारे आप में से स्टार्टअप्स MSMEs इस मंच पे बैठेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, और आप लोग निश्चित ही इस अवसर का पूरा पूरा लाभ लेंगे। पुनः आप सभी को, आयोजकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने अच्छे आइडियाज।